पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के घर सीबीआई ने छापा मारा है और सीबीआई का ये छापा पूरी तैयारी के साथ मारा गया है। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीबीआई की टीम पहुंची है छापेमार कार्रवाई के लिए पी चिदम्बरम के घर पर। दिल्ली सहित ऐसे 16 ठिकाने हैं जहां पर सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई की है। आपको ये जानकारी भी दे दें कि पहले पी चिदम्बरम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया है। दिल्ली के ठिकाने नोएडा, चेन्नई समेत घर और दफ्तर पर भी छापेमार कार्रवाई हुई है। पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के ठिकानों पर भी छापा मारा गया है। FIPB यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की मंजूरी से ये पूरा मसला जुड़ा हुआ है। एयरसेल मैक्सिस डील मामले पर सीबीआई छापेमारी कर रही है। इस पर और ज्यादा जानकारी मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला दे रहे हैं। मनीष, और क्या डिटेल्स? हम लौटेंगे मनीष के पास, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो एयरसेल मैक्सिस डील मामले में ये सीबीआई की तरफ से छापेमार कार्रवाई हुई है और कुल मिलाकर 16 ठिकाने ये बताए जा रहे हैं जहां पर सीबीआई की तरफ से एक्शन किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको रेड के दौरान की दिखा रहे हैं और ये पूरा मामला FIPB से जुड़ा हुआ है। यानी कि FIPB का अगर हम आपको मतलब समझाएं तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है और उसकी मंजूरी मिली जिसके बाद ये कुछ अनियमितताएं हुई और उसी से जुड़ा हुआ ये मामला। मनीष जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मनीष, आपके पास और क्या जानकारी आई अब तक? देखिए, सीबीआई की माने तो करीब 16 जगह पे छापे चल रहे हैं चिदम्बरम के, जो चेन्नई में खासतौर पे जो उनके घर हैं। कार्ति चिदम्बरम को ज्यादा टारगेट किया है सीबीआई ने, उनके तमाम जो ऑफिस हैं, जो उनके घर हैं उस जगह छापे चल रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में भी एक दो ऑफिस में सीबीआई की टीम है। और ये कहा जा रहा है कि अगर जिस पूरे मामले में, चूंकि कोर्ट में सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दिया था और उसी के तहत अपने केस को और मजबूत करने के लिए ये छापे डाले जा रहे हैं। दरअसल अगर देखें तो पूरा जो एलिगेशन है कि एयरसेल और मैक्सिस जो डील हुआ था उसको FIPB का क्लियरेंस नहीं मिला था। और जब भी 600 करोड़ रुपए के ऊपर की कोई डील होती है वो कैबिनेट में जाती है, लेकिन चिदम्बरम पे आरोप लगाया गया था कि वो इस प्रपोजल को उन्होंने कैबिनेट में नहीं भेजा था और अपने लेवल पर ये डील करा दी थी। वो जानते थे कि जो पूरा जो डील है वो 3,500 करोड़ की है, तो इसमें अनियमितता की बात थी। और इसी के तहत सीबीआई ने 2006 में डील हुई थी, काफी लेट किया सीबीआई ने छापे डालने में। शायद सीबीआई को मालूम था कि चिदम्बरम पे किस तरीके से रेड डालना, खासतौर पर वकील भी हैं और उस वक्त वो वित्त मंत्री भी थे, इससे पहले गृह मंत्री भी थे। तो लेकिन चूंकि एनडीए की सरकार है और कहीं ना कहीं सीबीआई पे अब उस तरीके का प्रेशर नहीं है, कोर्ट में उनको स्टेटस रिपोर्ट भी देनी थी। अचानक सुबह सीबीआई की टीम अलग अलग लोकेशन पे, खासतौर पर चेन्नई पर उन्होंने ज्यादा टारगेट किया है। चेन्नई में कई जगह छापे चल रहे हैं और दिल्ली के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक या दो जगह उनकी टीम है। लेकिन मनीष, जिस तरह से पूरी कार्रवाई हो रही है, सीबीआई पूरी तैयारी करके पहुंची है, पहले FIR दर्ज होना पी चिदम्बरम के खिलाफ बड़ी बात और उसके बाद अब अलग अलग ठिकानों पर ये पूरा एक्शन किया जाना सीबीआई की तरफ से। यह बिल्कुल, देखिए इस सबके पीछे सुब्रम स्वामी को आपको याद करना होगा क्योंकि वो लगातार कोर्ट में, वो पहले लोअर कोर्ट में गए फिर सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में लगातार आर्गुमेंट करते रहे कि उनके पास हम प्रूफ है कि पी चिदम्बरम जानबूझकर FIPB क्लियरेंस के लिए वो नहीं गए, उन्होंने अपने लेवल पे ये किया, ये करप्शन है क्योंकि इसमें बड़ा कमीशन का हिस्सा एयरसेल मैक्सिस डील में उनके पास या उनके घर वालों के पास गया है, इसमें तमाम और भी कई कंपनियां इससे जुड़ी हुई हैं और ये पूरी तरीके से इलीगल है और ऐसे में क्रिमिनल केस बनता है। लेकिन सीबीआई कभी भी पूरे दौरान 2006 से लेकर के उसके बाद तक वो दबाव में थी, हालांकि कभी सीबीआई एक्सेप्ट नहीं करती थी, लेकिन जाहिर है कि ये हाई प्रोफाइल मामला था। लेकिन देर से ही सही इस तरीके की छापे डालने सीबीआई ने शुरू कर दी है। और अगर आप इसे थोड़ा आसान से भाषा में, शब्दों में दर्शकों के लिए समझा पाए, FIPB जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, उसके मंजूरी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जरा ये समझाएं कि किस तरीके से एयरसेल मैक्सिस डील, दूसरी तरफ FIPB मंजूरी, ये सब चीजें कैसे कनेक्टेड है आपस में, कैसी अनियमितता है ये? देखिए, एयरसेल और मैक्सिस दो अलग कंपनियां थी, दोनों का विलय हुआ था और ये पूरा सौदा 3,500 करोड़ रुपए का हुआ था। लेकिन जब भी ऐसे FIPB जो क्लियरेंस होते हैं उसके लिए कैबिनेट में जाना जरूरी होता है, कैबिनेट जहां भी 600 करोड़ रुपए से ऊपर की कोई भी डील होगी वो CCEA में जाती है। लेकिन इस केस में चिदम्बरम के ऊपर आरोप था कि वो CCEA नहीं गए, उन्होंने अपने लेवल पे डील को मंजूरी दे दी और ये कहा गया कि मंजूरी इसलिए दी गई क्योंकि इसका सबसे ज्यादा फायदा कार्ति चिदम्बरम को हुआ और चिदम्बरम को हुआ क्योंकि जिस तरीके से सुब्रम स्वामी का यह आरोप है कि इसका कमीशन का हिस्सा उनके हिस्से में गया था, तो यही पूरा केस था। लेकिन इस मामले में जो सीबीआई के पास शिकायत गई लेकिन सीबीआई ने उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की, कोई छापे नहीं डाले और सुब्रम स्वामी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा
और ये कहना पड़ा कि सीबीआई इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही, हाई प्रोफाइल मामला है और इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इसी के तहत अपने केस को मजबूत करने के लिए सीबीआई ने ये रेट डाले हैं और इस तमाम रेट के बाद सुप्रीम कोर्ट में मनीष शफा की कॉपी आ चुकी है कि आपके पास आखिरी सवाल मेरा। जी हाँ, देखिए इसकी पहले से ही कॉपी मौजूद है लेकिन ये अभी अभी छापे चल रहे हैं, इसलिए सीबीआई ज्यादा कुछ शेयर नहीं कर रही। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।